डॉक्टर लक्ष्मी, मेरा सवाल आपसे इस बात को लेकर यह है कि अक्सर जैसे कभी भर्ती विजय जी कह रहे हैं कि भाई ज्यादा ज्यादा 50 सीटें खराब हो जाएंगी, लेकिन जो फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम है उसमें 2% का भी अगर फर्क पड़ता है तो 100 वोटों का 100 सीटों का नुकसान हो जाता है, या 3% अगर वोट कम हो जाए पहले बार की तुलना में तो वारे न्यारे हो जाते राजनीतिक दलों के। तो ये जो आकलन है कि 50 सीटों का नुकसान होगा ज्यादा ज्यादा, और पश्चिमी उत्तर अगर 50 सीटें चली भी गई तो हमारा क्या होने वाला, हम तो 250 सीटें बैठे रहे, क्या पॉलिटिकल अरिथमेटिक इतना आसान होता है? या जो फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम है उसमें अगर बीजेपी को 3 या 4% का भी नुकसान हुआ तो कैटास्ट्रोफिक हो सकता है उनके लिए? जी मैं उम्मीद करता हूं मेरी आवाज इसमें ठीक आ रही होगी। बिल्कुल साफ आ रही है, आप बोले प्लीज। बहुत शुक्रिया। मैं जो बात कह रहा था वहीं से इसको जोड़ता हूं कि जो वोटिंग पैटर्न है भारतीय समाज में, खासकर उत्तर भारत में जो हम देखते हैं, वो उसमें जो बुनियादी कारण है, बुनियादी आधार है, उसमें जाति बहुत बड़ा फैक्टर है, और यह केवल किसी विचारधारा के लोगों तक ही नहीं, जो बियॉन्ड द आइडियोलॉजी, बियॉन्ड द पॉलिटिकल पार्टी, ये सच्चाई है, तो वो हर एक मुद्दे पर असर करती है। लेकिन हमको ये बात भी ध्यान में रखनी होगी कि किसान आंदोलन जाति के प्रश्न को सीधे सीधे एड्रेस कर रहा है, इसीलिए मुजफ्फरनगर की जो महापंचायत है उसके गहरे निहितार्थ है और वहां लगे हुए नारे तो इस अर्थ को ले जा रहे हैं जो आपकी प्रस्तावना में भी आया है कि जाति की राजनीति के ऊपर धर्म की राजनीति को हावी करके अंदर खाने वो जाति की राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी बखूबी निभाती चली आ रही है। पिछले 7 साल में हमने कई चुनाव में ये देखा, खासकर उत्तर भारत में, तो यह तो टूटेगा। और जब ये दिखने लगेगा कि जो किसान जातियां हैं उनमें कौन सी जातियां हैं जो ज्यादा प्रभावित है इससे, तब आपको लगेगा कि इन किसान जातियों में तकरीबन 90% जातियां वे जातियां हैं जिन्हें हम वंचित शोषित कमेरा चौधरी, छोटू राम की भाषा में कहें तो ये कमेरा जाति के लोग जो लुटेरों के खिलाफ आवाज उठाने की बात चौधरी छोटू राम कहते थे, वह चेतना कम से कम उत्तर प्रदेश में गहरे तौर पर बैठती चली जा रही है। अब इसका चुनावी राजनीति पर क्या असर होगा, मूल्यांकन आपका सवाल अगर यहाँ है तो हम भी मूल्यांकन करें कि निश्चित रूप से जो आप पिछले चुनाव का अगर डेटा एनालिसिस करेंगे तो कोई बहुत भारी अंतर से ऐसा नहीं था कि सीटों का अनुपात बेशक था फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम में, लेकिन वह जो अंतर का जो आप रेशियो देखेंगे तो वहां कोई ऐसा अंतर नहीं है कि वह पाटा ही नहीं जा सकता। नाराजगी किसान आंदोलन केंद्रीय भूमिका में है, लेकिन नाराजगी के और भी आधार हैं, और उत्तर प्रदेश की जनता कम से कम पिछले 4.5 साल या 4.25 साल का जो योगी आदित्यनाथ का, अजय सिंह बिष्ट का शासन रहा है, उसमें और भी मुद्दों पर परेशान रही है। तो यह जो किसान आंदोलन है ये बड़ी नाराजगी को एक बड़ा मंच दे रहा है, लेकिन वह जो बाकी नाराजगियां हैं अगर वह सब शामिल होंगी तो ऐसा नहीं है कि यह मामला केवल 50 सीटों का या 15% वोटों का है, ये व्यापक परिवर्तन ला सकता है। और जिस पर देखिएगा, और फिर से दो काम होंगे, हम लोग जो जहां बात कर रहे हैं और जो आपका सवाल था कि जाति और धर्म की राजनीति अंदर खाने, वो उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया और बाद में उनको कहां आशय पर ढकेला गया, और बाद में ये सब चीजें हुई, फिर से सांप्रदायिक राजनीति को हवा दी जाएगी और अंदर खाने जातिगत सम्मेलन किए जाएंगे, चुनाव में किसको टिकट दिया जा रहा है इसमें भी जाति काम करेगी, लेकिन किसान आंदोलन के बैनर तले जो बाकी नाराजगी है वो एक गहरे राजनीतिक बदलाव का संकेत कर रही है, मेरा मानना है। डॉक्टर लक्ष्मण, एक सवाल और, उसके बाद मैं आलोक जी के पास जाऊंगा। मेरा सवाल इस बात को लेकर यह कि मंच से जो नारा लगा वो नारा था अल्लाह अकबर हर हर महादेव, और जब मंच से ये कहा गया कि अल्लाह अकबर तो बाकायदा जो बैठे हुए लोग थे उन्होंने हर हर महादेव के नारे लगाए। पिछली बार ये वो जगह थी जहां पर अल्लाह अकबर और हर हर महादेव बिल्कुल अलग अलग कोनों पे बैठे हुए थे और दोनों के बीच में स्पष्ट विभाजन था, और आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब हिंदू और जाट और मुसलमान जो है वो एक साथ नहीं खड़े हो रहे थे। इस बार अगर वो धर्मों का बंधन अगर हो जाता है और जाति अपने जगह पर मजबूत पड़ी रहती है तो क्या ये पूरे चुनावी राजनीति को प्रभावित नहीं करेगी? निसंदेह ये बहुत अहम परिघटना है अगर इसका मूल्यांकन गहराई से करें। 2017 के चुनाव का जिसने भी बारीकी से अध्ययन किया होगा उसे पता है कि उत्तर प्रदेश की जमीन
मान्यवर कांशीराम की जमीन रही है, मुलायम सिंह यादव और किसान नेता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत और चौधरी चरण सिंह। यानी कि किसान मजदूर के साथ जाति का सवाल केंद्रीय भूमिका में यहां रहा है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बिहार में आज भी देखिए अब समीकरण बदल रहा है तो बिहार की राजनीति में भाजपा केंद्र मुख्य भूमिका में धीरे धीरे आ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो बहुत हाशिए पर थे। इवन मस्जिद, अयोध्या, काशी, मथुरा, ये तीन बड़े केंद्र उत्तर प्रदेश में है, इसलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति को गहरे स्तर पर प्रभावित भी करते हैं। लेकिन यह जो बात है जाति केंद्र में है, इस बात को हमें समझना होगा। सांप्रदायिकता की आग तभी सफल होती है जब जाति के नाम पर जो राजनीतिक चेतना है वो मध्यम पड़ती है। जिस दिन फूले अंबेडकर पेरियार के नाम पर ये जातियां या चौधरी छोटू राम, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की ये जो विचार है अगर ये केंद्र में आ गया है तो वो उस विमर्श को वहां तक ले जाएगा कि नफरत की सियासत ने दरअसल इन जातियों को वंचित शोषित किया है, इनकी हकमारी की है। और एक तो टिप्पणी मैं कर दूं कि हम लोग की एक सीमा है, हम लोग सांप्रदायिक सौहार्द के लिए भी दो धर्मों की पहचानों को आगे रखते हैं, ये मजबूरी है हमारी फिलहाल की, तो ये मजबूरी है कि आपको अल्लाह अकबर और हर हर महादेव कहना पड़ेगा। मैं थोड़ी आपत्ति ये कहता हूं कि हिंदू धर्म का पर्याय हर हर महादेव नहीं है, लेकिन हम आज अगर राजनीतिक विमर्श में इस पर कहें तो ये बड़ी एका का नारा है। और आपने जो प्रस्तावना में बात कह दी मैं उसको दोहरा करके अपना बलाघात उस पर कर रहा हूं कि 1857 में जब दोनों नारे एक साथ लग रहे थे तो वो तो क्रांति के नारे थे, और आज टीवी चैनलों पर बैठ करके कहा जा रहा है कि सांप्रदायिक नारे हैं। ये नारे सांप्रदायिक कैसे हो गए? अगर हम इस अर्थ में भी कहें तो एक धर्म वाले दूसरे धर्म का नारा लगा रहे हैं तो ये तो सांप्रदायिक सौहार्द है। जय श्री राम का नारा आपके यहाँ सांप्रदायिक नारा नहीं है, और आप हर हर महादेव, हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारे एक साथ, आप जय श्री राम के नाम पर लिंचिंग कर सकते हैं। इसी देश में महात्मा गांधी के आखिरी लफ्ज में हे राम है, कबीर के यहाँ राम है, लेकिन राम के विस्तार को आपने जय श्री राम के लिंचिंग के नारे में तब्दील कर दिया है, तो इनको डर लग रहा है। इस विमर्श को आपके चैनल जैसे फोरम या बाकी लोग भी और ज्यादा जनता में ले जाए कि सांप्रदायिक नारा नहीं, सांप्रदायिक सौहार्द का नारा। जो इसको सांप्रदायिक नारा कह रहे हैं उनकी बुद्धि पर हम लोगों को हंस लेना चाहिए था, या ना भी हंसे तो भी उसको किनारे कर देना चाहिए, क्योंकि जिनको इतिहास नहीं पता उनको क्या मालूम। मुझे तो अच्छी, और ये बात मैंने नहीं कही है, ये बात सावरकर ने अपनी किताब में लिखी है, जो अपने आप में प्रामाणिक किताब कहते हैं, और खुद वही लोग प्रामाणिक कहते हैं जो दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं सांप्रदायिक। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।